हिमांशु भाई आज क्या बनाने वाले हो तुम इसमें? मेरे भाई आपने सुना होगा पहले जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो हुक्का बहुत पीते थे। अच्छा, तो हुक्का क्या है कि दरअसल जिसमें पानी भरा जाता है नीचे, हाँ, उसे उस पोर्शन को हुक्का बोलते हैं। अच्छा, मतलब सैंपल के लिए बना रखा है हुक्का? क्या के लिए बना रखा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला? ओ भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब इसका डाई हुई आती हो, हाथ से बनाया हुआ है? नहीं, ये सारा फिनिशिंग मेरे इन मुलायम मुलायम हाथों की। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनने वाला? बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। और क्या, तो बना स्टार्ट करो फिर भाई। हिमांशु भाई कितना टाइम लग जाएगा इसे बनने आने में? इसमें भाई मिनिमम 10-15 मिनट तो मान के चलो। अच्छा, मतलब फिनिशिंग उनिशिंग सब करने में? नहीं, उसमें अलग टाइम लगता है। अच्छा, वो जब सूख जाता है ना, कड़ा हो जाता है, उसके बाद तो। अच्छा अच्छा, फिलहाल बनेगा। तो भाई देख सकते हो, हमें तो लग रहा था कि जैसे कि ये है हुक्का बोलते हैं, हुक्का है, इसमें पानी वानी भरते हैं और चिलम उलम पीते हैं जो भी है, जो इसके शौकीन होते हैं। मुझे तो लग रहा था जैसे डाई हुई हो या डाई का यूज़ करा जाता, पर ये जो है ये जो हाथ से ही बना के दिखाएगा ऐसे ही बिना डाई की मदद से ही, मतलब ये अलग ही कलाकारी है इसके अंदर। भैया ऊपर वाले का हाथ रखो यार, सर पे ऐसा बनाऊं थोड़ी मैं। अच्छा, तो मट्टी का आकार बदल दिया पूरा है। तो मतलब किसी को चैलेंज करना चाहोगे इसके बाद इसके लिए? क्या चैलेंज? क्या, हम तो चाहते हैं हमारे जैसे देखकर हमारे भाई और बनाए। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हो अगर किसी और पे ना बनाना आए तो हमसे संपर्क करें। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 8449263857। चलो ठीक है, रात दिन पर रात के 12 बजे फोन मत कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तब मेरा सोने का टाइम है, बाकी किसी भी टाइम कर। इसमें काफी टाइम लगता है गाइस, मतलब हर किसी के बस की भी नहीं है बनाना। बस की तो सबके है, बट कहने का मतलब ये है मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, आधे दम तोड़ देते हैं, वरना पॉसिबल तो सब। अच्छा, पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल तो सब है, मतलब टाइम लगता है इसमें हर किसी की, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हर किसी से बनता नहीं है जल्दी से, मतलब हाथ नहीं बैठता इस पे बनाने के लिए जल्दी से। आधे तो दम तोड़ देते हैं कि बस अब नहीं होगा। अच्छा, बट जो सोचता अब नहीं होगा हम करेंगे ना, हाँ, वहीं से प्रोसेस जारी होता है। हाँ, ये तो बात है, पॉजिटिव सोच है तुम्हारी, वेरी वेरी पॉजिटिव। अभी धीरे धीरे आने लगा है, शेप में आने लगा है। हाँ, धीरे 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 शेप में आने लगा है। जिस प्रकार का वो अपना हुक्का मार के दम मार के अपना मजा लेता है ना, हाँ, उतना ही मजा इसे बनाने में भी आता है। हाँ, ये तो है। अभी हमने दो स्टेज तो इसकी पार कर लिया गाइस, अभी तीसरी स्टेज पर है, फाइनल राउंड। अच्छा, फाइनल राउंड है इसका, इसके बाद बन मतलब बन के तैयार हो जाएगा। अभी हमने इसमें डिजाइन निकाल दिया गाइस। दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा, ज़्यादा फॉलो करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। देखिए गाइस, ये मैंने इसका मुंह बना डाला, मतलब इसका कुछ फायदा या नुकसान बताओ, जैसे कि वो बाकी तो होता पीतल या जैसे स्टील का या मट्टी का, तो इसमें फर्क? इसका फायदा बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, जैसे चिलम में से धुआं निकलेगा ना, हाँ, तो पहले वो इसके अंदर जाएगा, हाँ, और मट्टी क्या करती है, पानी को ठंडा करती है, हाँ, तो वो जो कड़वा धुआं होता है ना वो पानी में मिक्स हो जाएगा और शुद्ध प्योरिटी जो धुआं निकलेगा। अच्छा, वो अंदर जाएगा, मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध वाला धुआं, वाला धुआं है। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पीते थे और देखो काफी तगड़े थे। आजकल का लौंडा बीड़ी बीड़ी पीटता है, बर्बाद हो जाता है, कोई फायदा नहीं। तो मतलब आजकल के लड़कों को यही पीना चाहिए? नहीं, वैसे धूम पांच दूर रहना चाहिए, बट ताऊ लोगों का शौक था और अभी भी तो है ये शौक, ये अभी चल रहा है, बड़े बुजुर्ग यही पीते हैं, बाकी बीड़ी उड़ी पीना चाहो तो उससे बेहतर है, यही सही है। हाँ, ये तो है, वरना बीड़ी में तो कितने घर बर्बाद हो गए मेरे भाई, कैंसर वगैरह फैल रहा है, बेकार तुम क्या, बहुत बुरी दुर्गति है अपने देश की। देखो तमूरा तैयार हो गया हमारा, अब बस हो गया पूरा फाइनल इसका, अभी इसमें फिनिशिंग दे। अच्छा, फिनिशिंग दो भाई, ये फिनिशिंग करके इससे रहो भाई। ये मेरा देसी चक्कू है भाई, रामपुरी चक्कू तो नहीं है? नहीं, ये रामपुरी चक्कू का छोटा भाई है। ये है डाकू भाई की तलवार, ये काट देगी दुश्मन की नाल। गाइस देखिएगा ये क्या है, चरखी है बच्चों के
खेल खिलौने की। अभी हम इसका डिजाइन बनाएंगे, इससे और देखते इससे डिजाइन बन जाएगा क्या। बन गया गाइस डिजाइन इस पर। अच्छा, ये नया जुमरा पार का लाए हैं हम। देखिए कैसे लहरा रहा है। अभी इसको लहराएगा, देखो देखा कमाल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।